आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग पहुँचे हैं माँ कालिका के मंदिर में। और क्या होता है गुरु पूर्णिमा, हम क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, इसी को लेकर आज हमने खास बातचीत करी हरीश भाटिया जी से। उन्होंने क्या कुछ बताया इसको लेकर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, उसके उपलक्ष्य में आपने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था, क्या कुछ था इसमें? इसमें यह गुरु पूर्णिमा जो है हमारा उत्सव नहीं महोत्सव है, क्योंकि गुरुओं की कृपा से ही आप जो है प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे महाराज श्री हैं, ये इनका पवित्र आसन है। अब जबकि ये 2018 में भूलोक से छोड़ के गोलोक में चले गए थे, और ये परंपरा गत 30-35 वर्षों से, जब से मैं यहाँ आया हूँ, ये चल रही है। तो इसमें सर्वप्रथम बाबा जी का यहाँ एक साधना कक्ष है, जहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। पहला पूजन वहाँ से प्रारंभ होता है। प्रथा के अनुसार पहला पूजन जो है उनके परिवार की तरफ से एवं संस्था के संरक्षकगणों की ओर से किया जाता है। वो प्रातःकाल 5 बजे प्रारंभ हो गया था। मैं महाराज श्री के इस कक्ष में ना गत 30 वर्षों से परमानेंट वहीं पे चौकीदारी की ड्यूटी देता हूँ, जबकि मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ONGC से रिटायर्ड हायर पोस्ट पे था, लेकिन मैं यहाँ महाराज श्री की सेवा में रहा। उसके बाद फिर 8 बजे यहीं थोड़ी सी दूरी पे 500 मीटर हमारे महाराज श्री का गुरु घर है, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। वहाँ हमारे संरक्षकगण प्रधान वगैरह महाराज श्री की ओर से फूल माला वगैरह सब अर्पण की, और यहाँ निरंतर भजन कीर्तन चलता रहा और लोगों का आवागमन, सबकी महाराज श्री के प्रति गुरु भाव की आस्था है, तो सब महाराज श्री के यहाँ पे अर्चन पूजन फल मिष्ठान मालाएं सब विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से यहाँ पे आए, अपनी उनकी प्रति अपनी श्रद्धा गुरु भाव प्रकट किया। और इसी प्रकार थोड़ी देर में फिर हमारा जलपान का कार्यक्रम भी बीच में चलता रहता है, क्योंकि लोग प्रातः क्योंकि गुरु पूजन में बिना खाए पिए आते हैं ना, तो वो लोग आए यहाँ, फिर उनके सब व्यवस्था हमारी ओर से की गई थी। आज के दिवस, क्योंकि आज पूर्णिमा है ना, तो आज के दिवस जो है हमारा यहाँ साथ में हनुमान मंदिर है, उसके ऊपरी तल पर ना श्री गिरि गोवर्धन जी महाराज पर्वत की प्रतिष्ठा की है। वहाँ पर 56 भोग लगाए जाते हैं, फिर वो यहाँ पर वितरित किए जाते हैं। वो भी वितरण किया, अभी इससे आधा घंटा पहले यहाँ पे लगभग 2 घंटे कीर्तन चलता रहा, सैकड़ों लोग आए गए अपना सारा कार्यक्रम के। अब कुछ ही देर में 1 बजे ना भंडारा फिर शुरू हो जाएगा, जिसमें आप लोग भी भाग के जाइएगा, स्वागत है, जरूर भाग के जाइए। तो ये हमारा प्रातः का। अब वो सायंकाल का हमारा मुख्य कार्यक्रम एक और है, वो 8 बजे से 11 बजे तक दिल्ली से कोई बहुत बड़े गायक जो हैं वो आ रहे हैं, वो करेंगे, तो उस टाइम जो आनंद लेंगे वो ले लेंगे। तो ये हमारे आज के दैनिक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम। तो हमने इनसे जाना कि हम क्यों गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड खबर। अपने सहयोगी पूजा मिश्रा के साथ प्रियंका रावत, देहरादून।